जो जगत के जीव के आशा का त्याग करके भगवान के आश्रय में आ गया वो जीव धन्य है, वो जीव धन्य है। जिसको भगवान पर भरोसा हो गया माई बाप, वो जीव धन्य है। खूब रुपया बढ़ गया तो हम धन्य है, ऐसा नहीं है। हम लोग गीत गाते हैं, अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, चाहत की दुनिया बसे ना बसे। जो मैंने सोचा चाहत की दुनिया बसे ना बसे, परंतु मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तो संभाल। पैर मेरे थके हैं अब चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। पैर मेरे थके हैं आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरी धीमी है चाल और ये पथ है विशाल,
हर कदम पर मुसीबत है प्रभु, अब तू ही संभाल। देखिए जब हम चलने लगते हैं तो जीवन में कभी पहुंच नहीं पाते हैं, और जब भगवान बुलाने लगते हैं तो हमको आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत गुड़ बात, उनके सहारे छोड़कर चल पड़ो। इसी 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 पर एक और पद है, अब तो नहीं रहे बड़े साधक प्रातः स्मरणीय पूज्य राजस्वामी जी महाराज का एक पद है, हम लोग गाते हैं। अरे जिस दिल में आप की याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। और मेरा मेरी मेरी धीमी है चाल, पत है विशाल प्रभु, चारों तरफ मुसीबत है, राही ना सही मंजिल की तरफ, मैं मंजिल की तरफ नहीं जा पा रहा हूं प्रभु, राही ना सही मंजिल की तरफ, आप राही की तरफ मंजिल कर दो, राही की तरफ मंजिल कर दो, जिस दिल में आप की याद रहे। भगवान का भरोसा, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी आप धन्य है, आप स्वनाम धन्य है, क्यों? शिव जी के चरणों में इतना प्रेम, राम चरित्र पूछा मैंने, शिव चरित्र बताया, आपने रोका नहीं, प्रेम से सुनते रहे। ये मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को समझा नहीं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। क्या बुझा? आप सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित सुचि यानी अंतः और बाह्य उभय प्रकार से आप पवित्र राम जी के भक्त हैं, आपके इस मरम को मैं जान गया। आपने राम कथा पूछी ना, अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। अब तीर्थराज प्रयाग से श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा को उठाकर कैलाश पर्वत पर लेकर गए। कैलाश का दिव्य शिखर है जहां पर भूत भवन भगवान शिव और मां शिवा का जो सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बट, बट कहे तो बरगद, बरगद का वृक्ष है। गोस्वामी जी परिचय कराते हैं, नित नूतन सुंदर सब काला, सब काला। किसी भी काल में किसी भी ऋतु में उस बट वृक्ष के पत्ते सूखते नहीं है, क्यों महाराज? कारण एक है, भजन। शंकर भगवान उसी के नीचे बैठकर भजन करते थे और बाबा के भजन का प्रभाव उस वृक्ष में दिखाई पड़ रहा था। उसी प्रकार माई बाप, यदि हम और आप भी भजन करेंगे ना, तो हमारे भजन का प्रभाव हमारे घर में भी दिखाई पड़ेगा। स्थान बताता है कि वहां पर क्या होता है, भजन होता है कि गजन होता है, स्थान सब बताता है। शंकर भगवान गए, बट वृक्ष देखे, गदगद हो गए। एक बात याद रखिएगा, प्रयास करके जीवन में ऐसा ही दृश्य देखना चाहिए जिससे हमारी सद्बुद्धि और बढ़ती रहे। विकार का प्रवेश माई बाप आंखों से होता है। सब कुछ हम देखें ये जरूरी नहीं है। किसको देखना है? जिसको देखने के बाद मन भजन की ओर अग्रसर हो, परमार्थ की ओर अग्रसर हो। शंकर भगवान इस बट वृक्ष को देखे, परम आनंद में आए और गए, अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर बाबा बिछाकर बैठ गए, स्वयं बिछाए बैठे।
गोस्वामी जी कहते हैं बैठे तो कैसे लग रहे हैं है? अरे बैठे सोहा कामरिपु कैसे, अरे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात शांत रस ने शिव जी के स्वरूप में शरीर धारण करके अपना आसन जमा लिया है, परम शांत। कथाओं में हम लोग बार बार एक बात कहते हैं, अशांत मन से कभी भी कोई श्रेष्ठ व्यवहार नहीं किया जा सकता। जिसके जीवन का लक्ष्य जितना श्रेष्ठ होता है उसके पहले उसको अपने आप को उतना अधिक शांत करना पड़ता है। और शांत, ये शांत शरीर से नहीं मन से। शरीर तो शांत बैठा है पंडाल में, मन बैठा है क्या? शरीर बैठा है पंडाल में, मन पहुंचा है चप्पल के पास, कहीं कोई लेकर न चला गया हो। शरीर बैठा है पंडाल में, मन घूम रहा कि भंडारे में क्या क्या मेनू होगा, आज क्या बना होगा। बुरा मत मानिएगा, हमारा शरीर शांत हो ऐसा नहीं है, हमारा मन शांत हो। माई बाप, मन शांत होगा ना तो शरीर आंखें सब अपने आप शांत हो जाएंगे। मन शांत हो, मन कैसे शांत होगा? अरे हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। जीवन में जितना अधिक हम और आप सत्य के निकट रहेंगे, कहें तो सत्संग में रहेंगे, उस सत्संग के प्रभाव से हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। कोई टैबलेट और कोई सिरप नहीं है कि दो ढक्कन दो चम्मच पी ली और मन शांत हो गया, असंभव। ये तो धीरे धीरे सदता है हो। जीवन में प्रयास किया जाए अधिकतम समय सत्य के निकट बीते। कल आपसे निवेदन किया था, सत्य होने पर यहां दबाव कम रहता है, और जहां केवल झूठ भरा है फिर तो भगवान ने मालिक है। बाबा परम शांत होकर मेरे बैठे। मैया पार्वती ने बाबा को देखा, मां ने क्या देखा? जितने प्रसन्न बाबा आज दिखे इतने प्रसन्न आज तक कभी नहीं दिखे थे। प्रसन्न तो बाबा रहते ही हैं, लेकिन आज विशेष प्रसन्न। आपके मन लायक व्यवहार करने को मिल जाए आप भी गदगद हो जाते हैं। भजनानंदी को कीर्तन मिल जाए गदगद हो जाता है, अब फेटने वाले को फेटने वाले मिल गए वो भी गदगद हो जाता है। बाबा भजन में प्रवेश करने वाले हैं इसलिए परम आनंद में है। मां ने देखा, ए जी पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी। मैया गई शंभु पही भल कहे तो श्रेष्ठ अवसर जानकर मैया बाबा के पास गई। जब मां गई तो बाबा ने क्या किया?
जानी प्रिया, अपनी प्रिया जानकर पार्वती जी को शंकर भगवान ने आदर थोड़ा नहीं अति कीना। बाबा ने मैया का अति आदर किया। एक प्रश्न है आपसे, पूछें। सिंघानिया जी कहां बैठे हैं? अच्छा उधर उधर है, हाँ उधर आ रहे हैं। आप बताओ, बड़ा छोटे का आदर करता है कि छोटा बड़े का आदर करता है? संतोष जी, बड़ा छोटे को आदर करेगा कि छोटा बड़े को आदर करेगा? अच्छा, आपके हिसाब से बड़े को छोटे का आदर करना चाहिए। अच्छा, छोटे को क्या करनी चाहिए बड़े को? नियम है छोटा बड़े का आदर करे और बड़ा छोटे पर अपनी ममता बरसाए। ठीक, आदर करने का काम किसका है? छोटे का। बाबूजी हमारा आदर करे तो हमारा दुर्भाग्य, हमको अपने पिताजी का आदर करना चाहिए। शंकर भगवान के पास जब मां पार्वती पहुंची तो बाबा क्या करते हैं? आदर अति कीन्हा, थोड़ा नहीं किया, बहुत आदर किया। अरे मैया बाबा का आदर करेंगे कि बाबा मैया का आदर करेंगे? नियम से तो बाबा को मैया को प्रेम करना चाहिए और मां को बाबा को आदर देना चाहिए, लेकिन यहां उल्टी गंगा बही। और कि केवल यहीं पर नहीं, मानस में दो ऐसा स्थान है जहां पर बड़े ने छोटे का आदर किया, एक तो यहां पर और दूसरा जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए हैं तो चक्रवर्ती जी ने राम जी को जब बुलाया, अति आदर दो तनय बुलाए। यहां उल्टा व्यवहार क्यों भया? शंकर भगवान सोचने लगे कि आदर तो पार्वती को मेरा करना चाहिए, परंतु आज पार्वती मुझसे भगवान की कथा पूछने वाली हैं और जब मैं कथा गाऊंगा तो मेरे गाने से आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। आज पार्वती जगत का कल्याण कराने आई हैं, इसलिए बाबा ने मैया का आदर किया। कथा कहती है हमारा छोटा भी कोई श्रेष्ठ व्यवहार करके आवे या करने जावे तो उसका आदर करना चाहिए। कहो आदर भया। बाबा ने अपने बामांग में मां को स्थान दिया। मां गदगद, पिछले जन्म का स्मरण करके, पिछले जन्म में मैं गई थी, बाबा ने सन्मुख बिठाया था, आज अपने बामांग में स्थान दिया। मां गदगद हो गई। बाबा ने कहा, कुछ पूछना चाहती हैं आप? मां ने कहा, प्रभु पूछना चाहती हूं, यदि आप मुझे सत्य में अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आप मेरे इस अज्ञान का हरण कर लीजिए। आप तीनों लोक के स्वामी हैं, आप मेरे नाथ हैं, चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। बाबा ने कहा, आपको भ्रम क्या है? मां ने कहा, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता होते हैं, परमार्थ पथ पे चलने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है, शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं और सब राम जी को ब्रह्म बताते हैं। आपको देखती हूं आप भी दिन रात कैलाश में बैठकर और आदर पूर्वक राम 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 जपते रहते। प्रभु मैं पूछना चाहती हूं, आप सब लोग जिस राम की बात चर्चा कर रहे हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं क्या, कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? प्रश्न क्यों है? क्योंकि आप कह रहे हैं सब लोग कि राम जी ब्रह्म है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। यदि राम ब्रह्म है तो भला ब्रह्म जन्म लेके राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी राजा के पुत्र हैं तो राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों कह रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर प्रभु मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। और एक बात कहें, आप ये मत समझिएगा कि आपकी पार्वती आपके साथ विवाद कर रही है नाथ, सत्य मानिएगा,
आज मैं आपसे विवाद नहीं, आज मैं आपके साथ संवाद करना चाहती हूँ। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ नाथ। आप सबसे पहले बताइए, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए? अजन्मा जन्म ले लिया, निराकार साकार हो गया, ये कैसे भया? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ विवाह सुनाइए, विवाहोपरांत राजा बनते बनते वन में चले गए, क्यों चले गए, वो कारण बताइए। वन में राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को मारा वो सुनाइए, वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए वो सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम गए वो बताइए। प्रभु जो मैंने पूछा वो तो बताइएगा, जो पूछने में छूट गया हो ना आप उसको भी बता दीजिएगा। माँ ने क्रम से प्रश्न किया और माँ के प्रश्न को सुनते सुनते हर हे राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हर हे राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुना एक चाचा है पंडित तारकेश्वर मिश्र राही। चाचा कहते हैं बाबू हम कहीं जाते हैं ना तो हमारे जाने से पहले हमारा स्वभाव वहां पहुंच जाता है, हमारा चरित्र पहुंच जाता है। हम बाद में जाते हैं लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा गुण दोष पहले पहुंच जाता है। हमने कहा कैसे चाचा जी? तो बोले कल्पना करो कोई आदमी आने वाला है, कोई व्यक्ति आने वाला है, यदि साधु होगा तो वो उसकी सूचना आई है, वो अभी नहीं आया है, पता चला है कि अमुक आ रहे हैं तो घर में लोग बात करते हैं, अरे आनंद आएगा साधु है वो, बड़े सज्जन है, बताओ चरित्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कोई दुष्ट आने वाला रहता है तो आदमी कहता है कहां से आ गया, बड़ा दुष्ट आदमी है, क्यों आ रहा है घर में। हम बाद में जाते हैं, हमारा नाम सुनते ही हमारा स्वभाव पहले पहुंच जाता है। क्यों कह रहा हूं? पार्वती जी ने राम जी के बारे में पूछा और भगवान के बारे में सुनने के साथ ही राम जी का चरित्र शंकर भगवान के हृदय में अवतरित हो गया। हर ही राम चरित सब आए, हृदय में राम चरित्र आया। देखिए भीतर कुछ जाएगा तो शरीर में असर होगा ना। एक दवा आती है इनो, कितना 5 रुपए की 10 रुपए में मिलता है, कहते हैं इनो खाओ 6 सेकंड में। हाँ वही पूछने वाला था मैं, प्रचार आता है इनो पियो और 6 सेकंड में एसिडिटी से मुक्ति पाओ, कितना तुरंत असर होता है। हो राम जी का चरित्र भी अगर भीतर आएगा ना तो इस शरीर में उसका असर दिखाई पड़ेगा, नहीं दिख रहा है, इसका केवल एक अर्थ है चरित्र अभी भीतर आया नहीं है। शंकर भगवान के हृदय में आया, परिणाम क्या भया? प्रेम पुलक, असर देखिए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया और लोचन जल छाए। बाबा गदगद हो गए, हो गदगद भी गए। दो दंड अर्थात एक दंड में 24 मिनट 48 मिनट के लिए बाबा समाधि में गए, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन,
रघुपति चरित महेश तब हर्षित बन ली। दो दंडवाद शंकर भगवान ध्यान से बाहर आए और माँ के सामने बाबा ने मंगलाचरण किया, जैसे हम और आप नित्य मंगलाचरण करते हैं ना, शंकर भगवान ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको स्मरण में है, याद है। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। बाबा ने कहा माँ से, देवी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर ने मंगलाचरण किया और उसके बाद विचार करने लगे मन में, कितना भाग्यशाली हूं मैं, है? ऐसी अर्धांगिनी मिली जिसने मुझसे मेरे भगवान के बारे में प्रश्न किया, है? बाबा गदगद हो गए हो। कथा प्रारंभ करने से पूर्व बाबा ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया। बाबा कहते हैं धन्य धन्य हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। मां ने कहा मैं क्यों धन्य हूं प्रभु, आप अचानक मेरी प्रशंसा करने लगे। तो बाबा ने कहा आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। माँ ने कहा मैंने क्या कर दिया। बाबा कहते हैं आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, आपने मेरे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों के बारे में पूछा। शिव जी कहते हैं देवी एक गंगा का प्रवाह मेरी जटा से भया, किसने कराया, भगीरथ जी ने। जटा से जो गंगा जी निकली भगीरथ जी के द्वारा, वो गंगा जी गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक गई। आप मध्य प्रदेश में जाकर गंगा जी को ढूंढिएगा तो गंगा जी मिलने वाली नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी। लेकिन भवानी आज आपने जिस गंगा का प्रवाह कराया है मेरी जिह्वा से, ये राम कथा रूपी गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर नहीं, अपितु धरती के जिस कोने में भी जाइएगा वहां आपको ये गंगा बहती हुई मिल जाएगी और जीवों का उद्धार करती हुई मिल जाएगी। ये गंगा सकल लोक, केवल धरती नहीं, तीनों लोक चौदहों भुवन, धरती नहीं सकल लोक, इसके बाद भी जग पावनी गंगा।
दवा भी लेनी होगी। कौन से बात होगी? सकल लोक, राम जी की कथा गंगा है, हो गंगा, उस गंगा में तो नहाने के लिए जाना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पर 9 दिनों के लिए गंगा आकर अपने आप बह रही है। ऐ आकर नहा के अपना भी उद्धार करा लीजिए और अपने घर का भी उद्धार करा दीजिए। साधक गाते हैं, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। और नारद नहाए अपन बेड़ा बजाए, समिति नहाए। श्रोता नहाए समिति नहाए, श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए साथी नहाए। और राजन नहाए राम कथवा सुनाए, कहते हैं देवी मैं जानता हूं कि आपके मन में न शोक है न संदेह है न भ्रम है,
मम विचार कछु नाही। आपने तो इसलिए प्रश्न किया कि आपके प्रश्न करने पर मैं आपको भगवान की कथा सुनाऊं और मेरे कथा गाने से आगे चलकर समस्त जीवों का कल्याण हो जाए। कहत सुनत सब कर हित होई। आपसे एक बात बताऊं भवानी जी, जिनके कानों में राम जी की कथा भगवान की कथा नहीं गई ना, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। शिव जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसके कान में भगवत कथा नहीं गई वो कान नहीं, सांप का बिल है। सावधान, कभी भी डस सकता है वो। जिनके आंखों ने कभी भगवत स्वरूप का दर्शन नहीं किया, संत का दर्शन नहीं किया, वो आंखें नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय, ये हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित नहीं होता है, वो हृदय नहीं है, वो तो पत्थर से भी वज्र है। शंकर जी कहते, देवी जिसका सिर कभी भी अपने श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, सदगुरु के चरण में न झुके, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। और कहते कहते बाबा कहते हैं, देवी जिसकी जिह्वा ने भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया, मां ने कहा प्रभु उसकी जिह्वा कैसी है, शंकर कहते हैं जीह सुदा दूर जीह समाना। बाबा कहते हैं कि भवानी जी जिसकी जिह्वा कभी भी भगवत गुणगान न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं, दादूर की है। अब आप कहोगे महाराज दादूर क्या? दादूर का एक अर्थ है मेंढक। बरसात का समय है, आप बाहर निकलिए, रास्ते में टर 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 आएंगे बिना मतलब में। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा गुणगान ना करे ना, घर में वो मेंढक जैसा टर्राता रहता है, कोई सुनने उनने वाला नहीं है। दादूर का दूसरा अर्थ है चमगादड़। क्या अर्थ है? चमगादड़ की जिह्वा के बारे में जानते हैं? आपने चमगादड़ को देखा है कभी? देखा है? सीधा रहता है कि उल्टा? क्यों ऐसा क्यों है भाई? सारे पक्षी सीधा बैठते हैं, चमगादड़ उल्टा क्यों बैठता है? उल्टा लटका रहता है वो, पांव ऊपर मुख नीचे। चमगादड़ के शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता, वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है और उसका मुख नीचे की ओर रहता है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुण ना करे, गुणगान ना करे, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। सावधान, अब चमगादड़ का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है, वो हमारे आपके हाथ में है। कई लोग कहते हैं महाराज 60 के बाद करेंगे, रहोगे तब न करोगे? हाँ, धरती पर एकमात्र एक व्यक्ति था जो ये दावे के साथ कह सकता था कि मैं कल का सवेरा देखूंगा, दावे के साथ। कौन? राजा परीक्षित। वो कह सकते थे कि 7 दिन के भीतर कोई माई कलाल मुझे मार नहीं सकता, वो जानते थे कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसने वाला है। हम आप तो उतना भी गारंटी नहीं दे सकते कि कल जी पाएंगे, कोई नहीं कह सकता माई बाप। छड़ भंगुर जीवन की कलिका, छड़ भंगुर जानते हैं ना, पानी का बुलबुला, उठा और समाप्त। ये जीवन उतना ही है, जितना बीत रहा है ये बोनस में मिल रहा है हम लोग को। छड़ भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले, मलयागिरी की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों महाराज? अरे क्यों? कलिकाल कुठार लिए फिरता, काल कुठार लेके घूम रहा है,
न जाने कब चला दे। और तन नम्र से चोट झीले ना झीले, इसलिए अरे जप ले हरि नाम अरे रसना, क्या पता अंत समय में हिले ना हिले। क्या पता अंत समय राम कहने की भी शक्ति रहे या ना रहे, क्या भरोसा है वो। जप लीजिए प्रातस्मणि पूज बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, वो गोस्वामी बिंदु जी अपनी जिह्वा से कहते हैं, अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, अपनी जिह्वा को कोसते हैं बिंदु गोस्वामी जी, कहते हैं तू व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, इस मुख मंदिर में अरे पड़ी पड़ी जप ले हरि नाम मेरी रसना, घड़ी घड़ी जप ले मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, व्यर्थ बिताती है आप भी भाग्य इसको बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी जगने के बाद चाय मत मांगिए, चाय लाओ चाय लाओ, अरे राम राम बोलिए, तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, इस काया कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। नित निकाल राम नाम धुन, नित निकाल बरसादे हरि नाम सुधारस, बरसादे हरि नाम सुधारस, हाँ बरसादे हरि नाम सुधारस, बरसादे हरि नाम सुधारस, बिंदु बिंदु हरि बोल मेरी रसना।
मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। कब बोल कब नहीं, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। जिसकी जिह्वा भगवत नाम का गुणगान न करे, शिव जी कहते हैं देवी उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। बाबा कहते हैं देवी, अरे गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित परंतु दनुज विमोहन सीला। भगवान का ये चरित्र जब देवता सुनते हैं, देवतुल्य लोग सुनते हैं, तो सुरहित उनका हित हो जाता है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जब दानव दनुज प्रवृत्ति के लोग सुनते हैं तो मोह में फंस जाते हैं। एक ही दवा का एक्शन और रिएक्शन दोनों है। भक्त सुनता है तो आनंद में आ जाता है, और जो नहीं होता है भगत वो कुतर्क में प्रवेश कर जाता है। ऐसा क्यों किया भगवान ने, गलत किया, ऐसा कहां से हो गया। देखिए जगत में एक तो तर्क किसी से नहीं करना चाहिए, और भगवान के विषय में कोई तर्क करे तो उससे कदापि नहीं करना चाहिए। पहले ही आप स्वीकार कर लीजिए, देखिए भाई हम आपसे तर्क के इस युद्ध में हम आपसे पराजय स्वीकार करते हैं, आप अपने घर का रास्ता पकड़िए, हमको विदा कर दीजिए। क्यों, जितना आप अझुराइएगा ना आपका भजन भी उतना समाप्त होते जाएगा। कदापि नहीं पढ़ना चाहिए। आप जानते हैं ना कि आप सही हैं, प्रमाण की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ा प्रमाण तो हमारा हृदय देता है, वो हम सही है कि गलत है, है? कहो। बाबा कहते हैं देवी, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। बाबा कहते हैं देवी, राम जी की कथा कामधेनु है, सुरधेनु सम उसकी जैसी है, जीव के समस्त शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाली है ये राम कथा। ऐसा जानकर कहो कौन है जो इस कामधेनु रूपी कथा का सेवन न करे। देवी भगवान अनंत हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा कीर्ति सब कुछ अनंत है। आपने भगवान की कथा पूछी भवानी, जितना मैंने सुना है उनके बारे में और जैसी मेरी मति है मैं आपको उनकी कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन पार्वती जी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपने भगवान में संदेह प्रस्तुत किया, आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ऐसा कौन बताता है भवानी, ऐसा वो कहता है जिसको मोह ने पकड़ लिया, जिसको पिशाच ने पकड़ लिया है वो कहेगा कि राम जी कोई और है। जो धर्म नहीं जानता, जो भगवत विमुख हो चुका है, जिसे सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा कि राम कौन है और है। आपने कहा कि अच्छी बात नहीं है भगवान। शंकर भगवान कहते हैं जीवन में बातुल बड़बड़ 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 बड़ बहुत बोलने वाला, जिसको हर विषय की जानकारी है उसके नजर में भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया है। अब मतवारे तो समझ ही रहे हैं आप लोग, लेने के बाद जो टुन हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं जीवन में इन तीन प्रकार के लोगों के कहे हुए बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
अना इनसे उलझना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहिं बचन बिचारे, इनकर कहा करिय नहीं काना। इनके कहे हुए बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आप तो इनमें से कोई नहीं है, और आपने कहा कि राम जी कोई और है, आपके बात पर तो ध्यान देना पड़ेगा भवानी। आपने कहा ना कि राम जी वही है कि कोई दूसरे हैं, है? आप निर्गुण और सगुण को दो जानती हैं देवी, ये दो नहीं दोनों एक है। शंकर जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि अलख अजोई, अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत बाबा कहते हैं देवी सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं। जल आपने देखा है ना, पानी, आप बताइए पानी का क्या आकार है? कोई आकार है क्या? ग्लास में रखिए तो ग्लास का आकार हो जाता है, थाली में रखिए तो थाली का आकार ले लेता है। वही पानी ग्लास में है तो ग्लास का आकार, वही ग्लास का पानी कटोरी में डालिए तो कटोरी का आकार, और वही कटोरी का पानी 2 घंटा के लिए फ्रीजर में डाल के निकाल लीजिए तो कटोरी में है तो कटोरी का आकार है ना बर्फ का, और वही कटोरी का बर्फ यदि थाली में रखिएगा तो क्या थाली का आकार हो जाएगा? नहीं, वो कटोरी के ही आकार में रहेगा, है पानी ही, तत्व नहीं बदला। लेकिन जब जल था तो निराकार था, और वही जल जब बर्फ का टुकड़ा बना तो निराकार से साकार हो गया, बदला कुछ नहीं, वही तत्व है, केवल निराकार से साकार हो गया। उसी प्रकार शंकर जी कहते हैं देवी राम जी का कोई आकार नहीं भगवान का, भगवान निराकार है, परंतु उस निराकार भगवान को उनका भक्त जिस रूप में देखना चाहता है, भगवान अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके और भक्त के कल्पना के अनुसार जो उसने मन में कल्पना बनाई है वैसा रूप धारण करके वही निराकार साकार होके प्रकट हो जाते हैं। दोनों एक है, भेद नहीं है कोई। प्रकट कब होते हैं? शंकर भगवान कहते हैं देवी केवल भगत प्रेम बस सगुण सोहोई, सगुण सोहोई, भगवान केवल और केवल भक्त के प्रेम के कारण निराकार से साकार हो जाते हैं। हमारे सामने नहीं हो पा रहे हैं, उत्तर देना जरूरी है, समझ में बात नहीं आ रही है, है? यहां कहा गया कि प्रेम के कारण भगवान प्रकट होते हैं, हमारे सामने नहीं हो रहे हैं, इसका केवल एक अर्थ है हम भगवान को प्रेम नहीं करते, बुरा मत मानिए, हम केवल अपने स्वार्थ के कारण उनके पास जाते हैं। आप याद करिए ऐसा कभी हुआ है कि भगवान के सामने जाकर हमने कुछ मांगा नहीं उस दिन? कई भैया है क्या ऐसा? आब गयो आदर गयो और नैनन गयो स्नेह, आब मने पानी, चेहरे का पानी, एक होता ना पानी, पानी बचाओ यार अपना। आब गयो आदर गयो
और नयनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कछु देह। जहां आपने किसी से मांगा हो प्रेम समाप्त, विश्वास ना हो तो मांग कर देख लीजिएगा, व्यवहारिक बात कह रहा हूं। आप ही के घर में रोज सवेरे कोई आकर 100 रुपया 200 रुपया मांगे, कितने दिन दीजिएगा? एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, उसके बाद कहेगा फिर आ गया मांगेगा, भगाओ इसको, भगाओ, कह दो मैं घर में नहीं हूं, कहेंगे ना। जब आपको कोई रोज रोज मांगे तो अच्छा नहीं लगता, विचार करिएगा हम इनसे रोज रोज मांगते हैं, इनको अच्छा लगता होगा क्या? मांगने से प्रेम समाप्त हो जाता है माई बाप। प्रेम तो वस्तुतः वह है कि हम भगवान के पास जाएं और अपने हृदय को, अपने मन को न्योछावर करके और बिना मांगे घर चले आए, ये वस्तुतः प्रेम है। और जिस दिन ऐसा प्रेम होगा, जिस दिन ऐसा प्रेम हो जाएगा प्यारे, उस दिन आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, राम जी ही आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास चले आएंगे। शबरी गई थी क्या राम जी के पास? शबरी ने राम से कुछ मांगा भी नहीं हो, अपने को लुटा दिया था। अरे पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। कितना उसका विश्वास है गुरु वचन पर। मुनिबर मतंग जी रंगले राम रंग में, अब बालिका से वृद्ध भैली ओ हीरे तरंग में, बालिका से वृद्ध भैली ओ हीरे दृढ़ विश्वास बा गुरु कथन पर, दृढ़ विश्वास बा गुरु कथन पर, अपैली परम विश्राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, आके दर्शन दी है हो पलनिये मेरा। शबरी का प्रेम था और विश्वास था कि शबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम ही माँ शबरी के पास पहुंच गए। यदि हमारे मन में प्रेम हो गया ना तो भगवान भले ना आवे, अपना कोई भक्त तो अवश्य हमारे पास भेज देंगे। भगवान इस कलिकाल की बात कर रहा हूँ, भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, वैराग्य से जिसको मिलना होगा मिलते होंगे। शंकर जी तो कहते हैं केवल भगत प्रेम बस सगुण सो, भगवान केवल भक्त के प्रेम में आते हैं। बाबा कहते हैं देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाए, वेद अपने मति के अनुसार बताते हैं क्या, बिनु पद चले सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी भक्ता पर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक
गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। कहते हैं गोस्वामी जी, शंकर भगवान कहते देवी राम जी बिना पांव के कैसे चल गए कल बताऊंगा। यहां उहां दुई बालक देखा मति ब्रह्म मोर किया। राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर ही सबको स्पर्श करते हैं। ऐसा जिनके बारे में वेद बताते हैं, जेही इमी गा वही वेद बुद्ध, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं। देवी आपने पूछा कि वही राम जी, सुनिए वही राम जी जिनके बारे में वेद ऐसा बताते हैं, दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं, वही राम भक्तों के भगवान हैं, अवतार लिए हैं। देवी ये वही राम हैं जिनके नाम का स्मरण करके काशी में शरीर त्यागने वाले जीव मात्र का मैं उद्धार कर देता हूं। जो बरबस भी राम जी का नाम ले लेना बिना मन से है, उसके करोड़ों जन्म के पाप जल कर भस्म हो जाते हैं, और जो प्रेम से नाम लेता है देवी, वो इस अथाह भाव सागर को गौ के खुर के समान पार कर जाता है, उसको पता भी नहीं चल पाता। ये राम जी के नाम की महिमा है। माँ ने कहा प्रभु मेरा सारा भ्रम समाप्त हुआ, लेकिन एक नया प्रश्न आ गया, राम जी ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, ये नर शरीर धारण करने का क्या कारण है। बाबा कहते हैं अरे जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई यदा यदा ही धर्म से बाबा कहते हैं जेवी जब जब धर्म की हानि होती है, एक बात समझिएगा, धर्म की हानि वानि नहीं होती। तो महाराज यहां तो लिखा है दिखाई पड़ता है कि हो रही है लेकिन होता नहीं है। क्यों महाराज, होगा नहीं तो दिखाई कैसे पड़ेगा। अब ये बताइए दोनों माइक बराबर है ना, आप नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बताइए ये छोटा हो गया ना, ये घट गया ना, ये घटा नहीं, ये जहां था वहीं पर है। इसकी तुलना में जब अधर्म बढ़ गया तो बढ़े हुए अधर्म के आगे दिखाई पड़ रहा है कि धर्म छोटा हो गया। धर्म वहीं पर है, धर्म नहीं घटता। धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ने लगता है तो बढ़े हुए अधर्म के आगे लगता है कि धर्म छोटा हो गया। धर्म छोटा कदापि नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं महाराज धर्म खतरे में, अरे अपने को बचा लो तो बहुत बड़ी बात, धर्म क्या बचाओगे। हिंदू होकर सिर पे शिखा नहीं रखे हो, यहां की शिखा निकाल कर यहां बोक ऐसा बढ़ा लिए हैं और कहते हैं कि धर्म खतरे में है। क्षमा करिएगा,
हिंदू हैं और यहाँ की शिखा कटवा दिए, अरे तुम अपने को नहीं बचा पा रहे हो, धर्म कहां से बचाओगे? धर्म अपने रक्षक की रक्षा स्वयं करने में सक्षम है, धर्म को हमारी आपकी आवश्यकता नहीं है, हम अपने को बचा ले यही बहुत बड़ी बात है। धर्म वहीं पर है, धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है महाराज? इसको उठाने वाले आ जाते हैं, कौन? पापी अभिमानी अधम असुर जब बढ़ जाते हैं और बढ़कर गौ पर, पृथ्वी पर, देवताओं पर, भक्तों पर, संतों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं, तब जाकर भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और पृथ्वी पर सज्जनों की पीड़ा का भगवान हरण कर लेते हैं। देवी, राम जी के जन्म के कई कारण हैं, अनेक, राम जन्म के हेतु अनेका, कैसे हैं? परम विचित्र एकते एका, सारे कारण बड़े अद्भुत अद्भुत हैं, लेकिन सारे सुनाने लगूंगा तो 9 दिन कारण में ही चला जाएगा, इसलिए शंकर जी कहते हैं मैं आपको कुल 5 कारण सुनाता हूं। कितने कारण? 5। सबसे पहला कारण, बाबा कहते हैं भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए, जय विजय ने द्वार पर रोक दिया, नहीं जा सकते आप। मुनियों ने कहा नहीं पहचानते हो? जय विजय ने कहा पहचान रहे तभी तो रोक रहे हैं, किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता, वर्जित है प्रवेश। मुनियों को आया क्रोध, निकाले जल, श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। भगवान दौड़ कर आए बाहर, क्षमा करिए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो होना पड़ेगा, और वो भी एक बार नहीं, हमने 3 बार कहा जाने दो, 3 बार मना किए इन लोगों ने, 3 जन्म असुर लेना पड़े, असुर जोनी में जाना पड़ेगा। और एक बात कहूं, जब जब ये असुर जोनी में जाएंगे ना, तब तब आपको भी इनको मुक्त करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। ये राम जी के जन्म का पहला कारण, वही जय विजय, पहला जन्म भया सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए। अभी हम लोग मई में गए थे नेपाल कथा करने, विराट नगर, तो विराट नगर के ही आगे भगवान वराह के अवतार का स्थान था, वो पहाड़ कोशी नदी के किनारे। और हिरण्यकश्यप के लिए तो आप सब जानते हैं भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। दूसरा जन्म त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और वही जय विजय तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में लिए, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया है ना, इन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। पिछले जन्म में ये वृंदा थी, इनका नाम था वृंदा, असुर कुल में जन्म होने के कारण असुरों के राजा जलंधर से वृंदा का विवाह भया, परंतु वृंदा परम भागवत थी, भगवान की अनन्य भक्त थी और अपने पति के चरणों में निष्ठ थी वो वृंदा। और वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण, पातिव्रत धर्म के कवच के कारण, ऐसा कवच बन गया जलंधर के चारों तरफ कि युद्ध में कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। सारा देव समाज भगवान श्री हरि के पास गया, प्रभु कुछ करिए, वो मारा नहीं जा पा रहा है। भगवान ने कहा जाओ युद्ध करो, मैं कुछ करता हूं। देवता जाकर युद्ध के लिए ललकारे। जलंधर जब युद्ध करने निकला तो वृंदा ने कहा प्रभु आप जाइए, और जब तक आप लौट कर नहीं आइएगा, आपकी कुशलता के लिए मैं यहाँ पूजन में बैठी हूँ, और जब तक मैं पूजन में बैठी रहूंगी प्रभु, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, और इधर भगवान क्या किए कि जलंधर का रूप बनाकर और वृंदा के सामने चले आए। वृंदा ने अपने पति का स्वरूप देखा तो उसे लगा कि मेरा पति आ गया। जैसे पूजा छोड़कर उठी, पूजा से उठी, और उधर युद्ध में उसका पति जलंधर मार दिया गया। अब भगवान और वृंदा के बीच में जलंधर का कटा हुआ सिर आकर गिरा। वृंदा ने जब अपने पति का सिर देखा और सामने पति का स्वरूप, पूछा कौन हो तुम? भगवान लज्जित होकर अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा ने कहा मैंने आपकी इतनी पूजा की और आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया,
भगवान होकर छल किया। श्राप देती हूं मैं आपको, आप जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपके पत्नी को आपसे दूर करेगा। आपने भगवान होकर जड़वत व्यवहार किया, तुरंत वृंदा ने भगवान को शाप देकर पत्थर का बना दिया। उसी समय भगवान शालीग्राम के रूप में आ गए। अब जब भगवान शालीग्राम के रूप में आया, हाहाकार मच गया, सृष्टि कैसे चलेगी। देवता लक्ष्मी जी आकर सब वृंदा से प्रार्थना करने लगे। वृंदा ने फिर से भगवान को पहले जैसा किया और उसके बाद अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर और वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का वीरवा निकला वहीं पर। तब भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालीग्राम का रहेगा और शालीग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा। और वहीं पर भगवान ने एक और बात कही, आज के बाद जब तक मेरे भोजन में भोग में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बार कलप एक ते ही लगी अवतारा। शंकर भगवान ने कहा, देवी एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। मां बोली, नारद जी ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी ज्ञानी है, भगवान के भक्त हैं। अवश्य भगवान ने ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर श्राप देनी पड़ी। यहां देखिए गुरु भक्ति, यहां इस प्रसंग से एक बात सीखने योग्य है, आप जिसको प्रेम करते हैं उसकी बुराई सुनना बंद कर दीजिए, आपका प्रेम कभी जीवन में समाप्त नहीं हो सकता। प्रेम तभी संबंध समाप्त होता है जब हम बुराई सुनने लगते हैं। पार्वती जी क्या कहती हैं, गुरु जी से अपराध नहीं हुआ होगा, अवश्य भगवान ने ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा। कहिए, क्या अपराध रमापति कीन्हा, भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया। शंकर भगवान मन ही मन कहे, देवी मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब आप सुनने के लिए आतुर है तो मैं बता देता हूं। एक बार नारद जी हिमालय के गुफा में आश्रम में तप में बैठे थे और नारद जी की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र डर गए। इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सी तो ना मांग ली है। कुर्सी पर बैठा आदमी रात को सोते समय भी कुर्सी के बारे में सोचता है, कहीं कुर्सी ना उतर जाए चली जाए। अब सोचे कहीं नारद जी मेरी कुर्सी मांग लेंगे तो क्या होगा, फिर तपस्या तोड़ो इनकी, भेजा कामदेव को, जाओ इनका तपस्या भंग करो। लेकिन माई बाप सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जा। भगवान ही जिसकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं वो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, है? हमारे पूज्य महाराज ये गीत गाते हैं, अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन का दिया मन की भाती हरे भजन का तेल रे
दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। और कहूँ अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसके लागे रे लगन जी बैठे भगवान के नाम का स्मरण करके, कामदेव आया और परास्त हो गया। मन में हार स्वीकार करके डर गया और जाकर नारद जी के चरणों में गिर गया। कौन? कामदेव। जब काम नारद जी के चरणों में गिरा तो नारद जी का नेत्र खुल गया। बोले देखे काम मेरे पांव में उठाया, पूछा यहां पर क्या कर रहे हो। कामदेव ने पूरी बात बताई। नारद जी ने क्षमा किया, ठीक है जाओ, विदा किया। अब नारद जी सोचने लगे कि मैंने काम को परास्त किया। काम को तो शिव जी ने भी परास्त किया, लेकिन बाबा अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे और मैंने तो कामदेव को क्षमा कर दिया। अरे मैं तो थोड़ा सा आगे निकल गया हूं शंकर जी से अब, और जिसको पीछे छोड़ा हूं चलकर उन्हीं को बताऊं कि हरा दिया हूं। पहुंच गए कैलाश। कौन? नारद जी। शंकर भगवान सोचे राम जी का भगत राम कथा सुनाएगा, आज नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर भगवान सुनते रहे और बोले नारद जी एक बात कहे, हमसे तो सुनाया कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से भूल कर भी मत सुनाइएगा। चर्चा चले भी तो बात को बदल दीजिएगा। नारद जी को लगा कि लगता है हमारी उपलब्धि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इनको जलन हो रही है, नहीं चाहते हैं कि दुनिया जाने। मना किया था, माने नहीं माने, पहुंच गए। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण प्रवीणा गावत हरि गुण गान। क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। भगवान के नाम का गुणगान करते करते नारद जी पहुंच गए कहां? क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा। क्षीर सिंधु पहुंच गए। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, बिठाया। अब नारद जी सोचने लगे कि कैसे, अब भाई अपनी बात बताने के लिए कोई क्लू चाहिए ना, कैसे तपाक से बोल दे भाई कोई बात बढ़े तो। अब नारद जी सोच रहे थे कैसे अपनी बात बताऊं, कैसे बताऊं। तब तक भगवान ने पूछ दिया, क्या? बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अरे नारद जी बहुत दिनों बाद आपने आज दया की मेरे ऊपर। नारद जी सोचे बस बस ये तो ढूंढ रहा था,
बोले अब क्या बताऊं प्रभु, अब इतना विलंब भया, उसका कारण है हिमालय में बैठा था समाधि में ध्यान में, ये हुआ वो हुआ। ऐ शंकर भगवान मना किए थे मत बताना, सब बता दिए, सब बता दिए। भगवान कह रहे नारद जी आप ब्रह्मचर्य रत, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, आप ब्रह्मचर्य व्रत में रत हैं, मत धीर हैं, आप परम विरक्त हैं, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है। नारद जी तो सुनकर प्रसन्न भए, लेकिन मन ही मन 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 सोचते हैं कि मेरी उपलब्धि है, और ऊपर से कह रहे हैं प्रभु आप ही की कृपा है, सब झूठ है। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, भगवान समझ गए कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का बीज पड़ गया है, और यदि मैंने अभी इस बीज को नहीं निकाला तो आगे चलकर विशाल वृक्ष बन जाएगा, और इसको काट कर निकालना पड़ेगा तो और कठिनाई होगी, अभी निकालो। भगवान ने माया फैलाई, नारद जी चले रास्ते में, माया का नगर, माया का राजा, माया के राजा की बेटी, भगवान की माया ही बेटी बन गई विश्व मोहिनी, राजा शील निधि, माया का नगर दिखाई पड़ा। नारद जी बोले जाते समय तो ये शहर नहीं था, ये नया शहर कहां से आ गया, और इतनी भीड़। किसी से पूछा तो उसने कहा कि हमारे महाराज शील निधि जी की बिटिया विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी कहे आया हूं तो एक बार देख लूं क्या है यहाँ पर। गए राज दरबार, शील निधि ने स्वागत किया, बिठाया, और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर नारद जी से कहा तने बिटिया का हाथ देखकर बताइए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ, देखने लगे चेहरा, और बहुत देर तक देखते रहे। शील निधि ने कहा कि नारद जी चेहरा नहीं हाथ देखना है, हाथ देखे तो हाथ की रेखा में लिखा था कि जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही कन्या का पति होगा। नारद जी इस बात को उल्टा पढ़ गए, नारद जी पढ़ लिए कि जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, और उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। उसमें लिखा था जो होगा उसके साथ विवाह होगा, नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वो हो जाएगा, अब इसको छिपा गए। अब मनगढ़ंत बात बताकर वहां से चले और सोचने लगे हे विधि मिलई कवन विधि पाला, क्यों जप तप कछु न हो, समय नहीं है कि मैं तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लूं, जप तप करने का समय नहीं है। हे विधाता आप किस विधि से कन्या मिलेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज ही एक घंटे बाद स्वयंवर है, अब क्या करूं। तो बहुत सोचने के बाद दिमाग लगाए नारद जी, वो कन्या विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है, तो क्यों ना विश्व मोहन का चेहरा एक दिन के लिए उधार मांग लिया जाए। भगवान का चेहरा उधार मांग कर अब पहन के जाऊंगा तो भगवान का चेहरा देखते गले में माला मिल जाएगी मुझे। बोले बस बस यही करना है, लगे भगवान को बुलाने। भगवान तो पहले से तैयार बैठे थे, भगवान प्रकट भए, नारद जी से कहा प्रभु ने क्यों बुलाया। नारद जी कहे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी कहे प्रभु अपना चेहरा उधार दीजिए एक दिन के लिए। भगवान बोले चेहरा क्या करिएगा प्रभु, विवाह करना है। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारे विवाह त्योहार, विवाह तो उसी का होता है वो जिसका चेहरा होता है। और आप विचार करिएगा, लोग गाड़ी उधार मांगते हैं, कपड़ा उधार मांगते हैं, जूता मांगते हैं, कहीं कोई विवाह के लिए चेहरा मांगता है कि भाई अपना चेहरा दीजिए हम विवाह करके आकर लौटा देंगे आपको। नारद जी ने रूप तो मांगा भगवान का, लेकिन यहां पर नारद जी के मुख से एक और बात निकली। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं बेटा जीवन में जब विपत्ति आती है ना, तो उस विपत्ति में जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती तो उस विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम आ जाती है। जीवन की भजन, जीवन का भजन संपत्ति बन जाता है।
वो संपत्ति भले आपके साथ न जा पाए, लेकिन इस संपत्ति को कोई माई का लाल आपसे छीनने वाला नहीं है, ये साथ में अवश्य जाएगी आपको। और नारद जी के जीवन के भजन के प्रताप ने न जाने कैसे नारद जी के मुख से आज कहलवा दिया। क्या कहलवा दिया? नारद जी कहे, प्रभु जे ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु जैसे मेरा हित दिखाई पड़े आप वो कर दीजिए। आप भी भगवान से यही कहिए, प्रभु हित हो वो करिए। प्रभु क्यों, हमको आज भी दिखाई नहीं पड़ता अपना, और भगवान को हमारा पूरा जीवन देखकर बैठे रहते हैं। केवल एक बात कहा जाए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा है आप वही करिए मेरे साथ। बेटा हमारा है प्रभु, 99% लावे जरूरी नहीं है, यदि 60% में ही इसका हित दिखाई पड़ रहा है तो आप 90 मत लाइएगा, आप 60 दिला दीजिएगा। प्रभु जैसे हित हो जाए आप उतना करिए। भगवान ने कहा, नारद जी आप हित की बात करते हैं, मैं आपका हित नहीं, जे ही विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु वचन न मृषा हमार। नारद जी चले, मांगा था भगवान का रूप, भगवान ने बना दिया बानर का रूप, लेकिन ये बानर का रूप अभी नहीं बना। नारद जी पहुंचे स्वयंवर की सभा में, उनको लगा कि मैं भगवान का रूप प्राप्त कर लिया हूं। जाने लगे, दोनों तरफ राजा बैठे थे, सारे राजाओं को नारद जी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे, सब नारद जी को नारद समझ के प्रणाम कर रहे हैं, नारद जी समझे भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। गए जाकर पहली कुर्सी पर बैठ गए, क्यों, कन्या आएगी पहले मुझे देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे भगवान शंकर के दो गण हैं, ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठ गए, लगे नारद जी को सुना सुना के बात करने। ओह कौन होगा इतना सुंदर आज त्रैलोक में, कोई होगा इतना सुंदर, किसी ने पूछा कौन, अरे कौन नहीं सामने वाला राजकुमार। धन्य है वो माँ जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है, आज तो कन्या इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। नारद जी सुने फुलगप्पा हो गए हो, इतने आनंद आए हैं मानो गले में माला मिल गई। तब तक वो कन्या आई विश्व मोहिनी माला लिए, और नारद जी विश्व मोहिनी को क्या दिखाई पड़े, बाबा कहते हैं मरकट बदन भयंकर देही। ऐ देखते हैं विश्व मोहिनी का पूरा शरीर क्रोध में जलने लगा, भयानक बानर दिखाई पड़े नारद जी। जिस पंक्ति में बैठे थे उस पंक्ति में ही नहीं गई, सामने चली गई। अब नारद जी सोचे इस चेहरे पर लगता है ठीक से देखा नहीं हमको, अभी सोच ही रहे थे तब तक भगवान मनुष्य का रूप बनाकर उसी कतार में खड़े हो गए, और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, किस चेहरे पर यदि माला नहीं मिली तो किस चेहरे पर माला मिलेगी। तो गणों ने कहा तनिक एक बार चेहरा तो देखिए पानी में। जल में जाकर नारद जी ने स्वरूप देखा बानर का रूप, ऐ आया क्रोध, दोनों रुद्र गणों को श्राप दिया, उपहास करते हो जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। अब नारद जी अपना रूप प्राप्त करके चले हैं कहां, क्षीर सागर। दैहं श्राप की मरी हो जाई, आज या तो भगवान को श्राप दूंगा नहीं तो आज अपने आप को समाप्त कर दूंगा। कहां जा रहे हैं, क्षीर सागर में। भगवान सोचे कि क्षीर सागर आते आते क्रोध शांत हो जाएगा, और क्रोध शांत हो गया तो श्राप कैसे मिलेगा, फिर लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारा जाए। भगवान ही चल पड़े मिलने के लिए, रास्ते में बीच ही पंथ मिले, धनु जा रही
और संगरमा सोई राजकुमारी। मानो अग्नि में घी डालने के लिए क्या किए भगवान, रथ पर एक तरफ लक्ष्मी जी को खड़ा कर लिए और दूसरी तरफ सोई राजकुमारी उसी विश्व मोहिनी को खड़ा कर लिया। रथ रोके, भगवान ने पूछा नारद जी कहाँ जा रहे हैं। नारद जी चेहरा ऊपर करी, कन्या इनके बगल में खड़ी है, इसका मतलब मैंने बताया था बहुत सुंदर कन्या है, विवाह करना है, तो मुझे बानर बना के और अपने विवाह कर लिए। अब जो नारद जी का क्रोध फूट पड़ा, बोले पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी, मत सिंदूर त्रहि बौरायो, मत सिंदूर त्रहि बौरायो, सुरन प्रेर विषपान करायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। आप दूसरे की संपत्ति पचा नहीं पाते हैं, कपटी है आप, कपटी। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ा था मुझे, समुद्र मंथन में जहर निकला तो शंकर को पिला दिए, लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, किसी से नहीं डरते हैं आप, जो मन करता है वही करते हैं। जब मन करता है अच्छे को बुरा बना देते हो, मन करता है तो बुरे को अच्छा बना देते हो। आपको आज तक किसी ने ठीक नहीं किया है, लेकिन आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। तीन श्राप देता हूं मैं। पहला श्राप, मैंने कहा था अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया और अपने राजकुमार बन के आपने जाकर विवाह कर लिया। श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप बनाया था उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा तो यही बानर आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने अपकार कर दिया मेरा। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन मनुष्य बनके अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। तीन श्राप नारद जी ने दिए भगवान को और भगवान ने तीनों श्राप को सिरोधार्य कर लिया, तीनों श्राप को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बोल रही थी उस माया को खींच लिया। जब माया उतरी न हो, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहां रमा न राज कुमारी, नहीं हटाया। नारद जी देखे ना लक्ष्मी है, ना विश्व मोहिनी है, ना रथ है, भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है, है? मैंने भगवान को श्राप दिया, लौट गए भगवान के चरणों में, बोले मृषा हो मामा श्राप कृपाला, ने कहा प्रभु मेरे सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा आपने कहां श्राप दिया नारद जी, ये तो मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दें। नारद जी कहे श्राप के लिए मैं ही मिला आपको। भगवान ने कहा नारद जी जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास होता है ना उसी को अपनी लीला में निमित्त बनाता हूं मैं, आप पर मुझे विश्वास था। जाइए, जाकर शिव जी के सहस्त्र नाम का जप करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी और मैं वचन देता हूं आज के बाद मेरी माया अब आपको कभी नहीं सताएगी।
नारद जी प्रणाम करके चले। रास्ते में दोनों रुद्रगण जिनको नारद जी असुर बनाए थे श्राप देके, वो दोनों बैठ के रो रहे थे। मिल गए, नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? दोनों बोले राक्षस बना दिए तो क्या हंसे है? कहा हम लोग शिवलोक में बाबा की सेवा में थे, असुर बना दिया हम लोगों को। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को श्राप दिया हूं? अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं, जाओ तुम दोनों प्रतापी असुर होगे, इतने प्रतापी होगे कि तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात ब्रह्म ही अवतार लेगा और भगवान ही आकर आप दोनों को मुक्त करेंगे। शंकर जी कहते हैं देवी ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। पांच कारण में से चार कारण में श्राप केंद्र में है, लेकिन एक कारण है, ये जो चौथा कारण है ना, इसमें श्राप नहीं, इसमें आशीर्वाद के कारण भगवान मनुष्य रूप में आए हैं। कैसे? सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और माँ शत्रुपा जी चौथे पन में आकर दोनों पति पत्नी इसी नैमी शारण में आकर कठोर तपस्या की 23,000 वर्ष तक। 23,000 वर्ष तक जब तपस्या किए तो भगवान की ब्रह्म वाणी भई, तपस्या करते करते शरीर इतना गल गया था कि लगता था मानो अस्थि के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहनाया गया है। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। इतने दुर्बल हो गए थे कि लगता था कि अस्थि पर चर्म का वस्त्र पड़ा है, लेकिन जैसे ब्रह्मवाणी भई और वो आवाज कान में गया, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, ऐसा लगा मानहु अब ही भवन ते आए। रिष्ट पुष्ट हो गए। आकाशवाणी ने कहा मांगिए मांगिए, क्या वर चाहिए मनुजी? मनुजी शत्रुपा मिया से बात किए, देखो ना जिसकी आवाज सुनकर इतना जादू हो गया, यदि उसको वो दिखाई पड़ जाए तो कितना अद्भुत हो जाएगा। आवाज से इतना परिवर्तन हो गया, दर्शन मिल जाए तो कितना आनंद होगा। मनु जी कहे प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे कहा देखना चाहते हैं, नील शरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। सीताराम जी जो मेरे पीछे है ना, यही दोनों जुगल सरकार प्रकट हो गए। मनु महाराज लगे निहारने, इतना निहारने लगे हो आंख में आंसू आ गए है? जब आंसू आ गए तो धुंधला दिखाई पड़ने लगा। तो ये जो गोल है ना, आंख के भीतर गोल काले रंग का, इसको पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतरी, यही देखती है। ये भगवान को निहार रही थी, आंसू आया तो धुंधला दिखाई पड़ने लगा, तो ये पुतरी आंख से आंसू से कहती है, पुतरी कहे मार्ग से हटी जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री कह रही है अरे जल्दी हटो हटो, दिखाई नहीं दे रहा है। आंसू कहते केवल तुम ही देखोगे, हमको भगवान के चरणों को धोना है। पुत्री कहे मार्ग से हटी जा, असुआ कहे पाव पखारन दे, पलके कहे लड़ोगे तुम दोनों, लड़ोगे एक काम करो, पलके कहे मुदिले राघव को, अखिया कहे अभी और निहारन दे। सब लड़ रहे हैं वो, सब लड़ रहे हैं। मनु महाराज टकटकी लगाकर देखने लगे भगवान को, सोचे
आपस में शत्रुपा जी से बात करते हैं, शत्रुपा बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे, एक बार कहूं क्या कि बालक बन के दिखा दीजिए। फिर सोचे अभी कहूंगा तो दिखाएंगे और फिर चले जाएंगे, क्यों ना इन्हीं को बेटे के रूप में मांग लूं, ये मेरे बेटे बन जाएंगे ना तो जीवन भर इनको निहारता रहूंगा, गोद में खिलाता रहूंगा। लेकिन एक समस्या है, क्या कोई भी पुत्र अपने पिताजी से कह सकता है कि पिताजी अगले जन्म में आप बेटा बनिएगा, हम बाप बनेंगे आपका? कोई कहेगा क्या है? मनु महाराज उपाय निकाले, कहे प्रभु मैं चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु आप तो सब जानते हैं, आपको भला कौन मांग सकता है, आपको नहीं चाहता, आपके जैसा बेटा चाहता हूं। देखिए चतुराई क्या बोले, आपके समान पुत्र, आप नहीं प्रभु, आप नहीं, आपके जैसा चलेगा। अब भगवान सोचे देखो बेटा बापे से चतुराई किए जा रहा है, अब हम अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे। भगवान भी मुस्कुराए, कहे मनुजी अब हम आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई, कहाँ ढूंढने जाऊंगा, चलिए वरदान देता हूँ, मैं स्वयं आपके घर आपका बेटा बन के अवतार लूंगा, मैं स्वयं आऊंगा। मनु महाराज का लालच देखिए और बढ़ गया, कहे चलो ये तो पक्का हो गया भगवान आएंगे। अब देखिए कहते प्रभु देखिए अब आप ये अपनी ओर से कहे हैं, मैंने आपको नहीं मांगा, लेकिन अब आप दे दिए तो आपको आना पड़ेगा, मैंने जो मांगा वो तो खाली रह गया, मैंने आपके जैसा मांगा था। भगवान कहे मनुजी चलिए ये भी देता हूं, मैं तो आऊंगा ही और अपने साथ अपने जैसे को भी लेकर आऊंगा, भगवान के जैसे भगवान ने भरत भैया को अपने साथ ले आया। मनुजी गदगद हो गए, गदगद हो गए हो। शत्रुपा मैया से भगवान ने कहा देवी आप भी कुछ मांगिए। शत्रुपा मैया ने कहा प्रभु चतुर महाराज ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो कहती हूँ प्रभु आप अपने भक्तों को जो मति जो गति जो रहनी जो विवेक जो सुख जो भाग्य प्रदान करते आनंद प्रदान करते प्रभु आप कृपा करके सब मुझे दे दीजिए, हम ही कृपा कर देव। भगवान ने तुरंत संबंध जोड़ लिया। अभी देवी कह रहे थे और ये कह दिया कि मैं बेटा बन के आऊंगा तो ये पिताजी कहलाएंगे, ये मेरी माँ होगी, तो भगवान अभी संबंध जोड़ लिए। अरे माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटी अनुग्रह से। भगवान ने कहा माँ आपका अलौकिक विवेक कभी समाप्त नहीं होगा। मनु जी कहे प्रभु एक कुछ और चाहिए, क्या चाहिए, आप जब मेरे घर पुत्र बनकर आए ना प्रभु तो प्रभु मैं आपको ना भगवान ना जान पाऊं, मैं जीवन में कभी ये ना जान पाऊं कि भगवान मेरे घर पुत्र बनकर आए हैं, क्यों, यदि भगवान जान लूंगा ना आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, भय लगेगा। मैं चाहता हूं प्रभु संसार का पिता अपनी गोद में जैसे अपने बेटे को खिलाता है मैं उसी प्रकार आपको खिलाता रहूं, मैं आपको भगवान नहीं अपना बेटा जानूं, प्रभु ये आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। और कहे प्रभु कदाचित आपसे मेरा बिछोह हो जाए ना तो जो गति
मणि निकलने के बाद सर्प की हो जाती है नाथ, जो गति जल से निकलने के बाद मछली की हो जाती है, आपसे दूर होने पर मेरी वही गति हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु मनुजी, ऐसा ही होगा। आप दोनों लोग जाकर अमरावती में वास करिए, समय आने पर आप दोनों अयोध्या के राजा रानी होंगे और मैं अंशों सहित आऊंगा। ये जो जगत जननी है जानकी जी, आदि शक्ति ये भी अवतार लेंगी। शंकर भगवान कहते हैं देवी राम जी के जन्म का चौथा कारण, पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। हमारे महाराज से कहा करते हैं बेटा, सत्संग न मिले तो घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कुसंग से बच के रह रहे हैं तो कुसंग से बचना भी एक प्रकार का सत्संग ही कहा गया है। कपड़ा साफ नहीं कर पा रहे, कम से कम गंदा तो ना करे। कुसंग कुसंग से बचा जाए। संग किसका करना महाराज? संत का संग करना। क्या होगा? कबीर दास जी बोल गए, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छे बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी। आएंगे तेरे भाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। ध्रुव की बनी प्रह्लाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रह्लाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रह्लाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रह्लाद जी की बन गई। राम भजन में लाग रे, हाँ राम भजन में लाग रे। कागा से हमें हंस करेंगे, कागा से हमें हंस करेंगे। कौवा से हमें हंस करेंगे, कौवा से हमें हंस करेंगे। फिर मिट जाएंगे सब दाग रे, हाँ भूल जाएंगे सब दाग रे। मोहनिशा में कब से सोया, मोहनिशा में कब से सोया, मोहनिशा में अब तक सोया, मोहनिशा में अब तक सोया। अब जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग रे। मारामारी से, लड़ाई से, झगड़ा से, बुराई से, चोरी से, क्या महाराज? भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छे बनेगी। सत्संग किया जाए। क्यों? जीवन में क्षण मात्र का कुसंग भया प्रताप भानु को, कपटी मुनि का परिणाम
ब्राह्मणों का श्राप लगा और ऐसा श्राप लगा प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्मरुचि वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी शंकर जी दोनों लोग गए आशीर्वाद देने वर देने। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा मांगो क्या वर चाहिए। रावण ने पहले मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहे ये तो नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो बहुत विचार करने के बाद सोचा कि बानर और मनुष्य को हम खा जाते हैं, तो वरदान क्या मांगा, बानर मनुज जात दुई बारे, क्या बंदर और मनुष्य को छोड़कर कोई ना मार पाए, ये मारने आएंगे तो हम ही उल्टा इनको खा जाएंगे। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि 6 महीना जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगने वाला है, सोचे 6 महीना जग गया तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। ये सरस्वती जी को प्रेरित करके कुंभकर्ण की मति को पलटवा दिया, कहे मांगो, उल्टा मांग लिया। क्या मांगा, 6 महीना सोऊं और 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वहीं पर रावण सिर पीटने लगा, अभी तो जीवन भर सोएगा, केवल 1 दिन के लिए जगेगा। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं क्या चौपाई देखिए, जेहि दिन प्रति आहार कर सोई विश्व बेग सब चौपट होई। जिस दिन कुंभकर्ण जग कर भोजन करता था सब चौपट कर देता था रचना, इतना खाता था वो। दुए काम था, खाओ सो, खाओ सो। हम कुछ कहेंगे नहीं आप। आप तो सब समझदार हैं, जो केवल खाता और सोता है हम कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में। कुंभकर्ण के बाद विभीषण जी के पास गए, जाकर ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम मांगो। ते ही मांगे सी भगवंत पद कमल अमल अनुरा। वही दो भाई क्या क्या मांगे, और वही विभीषण जी कहते हैं भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, इसके अलावा मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण अपने दोनों भाइयों को पाताल ले गया, विवाह करा कर ले आया। एक बार कुबेर पर धावा बोलकर रावण ने पुष्पक विमान जीत लिया। आपसे बताऊं, रावण ने अपने अनुचरों को आदेश देते हुए कहा धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, विघ्न उत्पन्न करो। क्यों, ये जितने देवता हैं इन्हीं माध्यमों से भोजन पाते हैं। ब्राह्मण को मुख में भोजन कराइए तो सीधे देवता को जाए, पुराण भगवान कहते हैं। यज्ञ में आहुति समर्पित करने से देवता पुष्ट होते हैं। रावण कहता है कि भोजन के, देखा रावण का नाम लेते शुरू हो गया ना। रावण कहता है इन्हीं माध्यमों से देवता भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन के अभाव में जब देवता दुर्बल हो जाएंगे तुम सहज उनको पकड़ के लाएंगे, बल नहीं रहेगा तो लड़ेंगे कहां से, फिर निर्णय किया जाएगा क्या किया जाए उनके साथ। ए रावण का आतंक बढ़ने लगा। बाबा कहते हैं जप जोग बिरागा तप मत भागा श्रवण सुनई दस सीसा आप में उठ धावई रहे न पावई हरि सब ढालई खीसा अस भरत अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना नहीं सौत दिता सही देश निकासई जो कह वेद पुराना यज्ञ शब्द सुनते रावण इतना आग बबूला हो जाता था, स्वयं जाता था यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था रावण, कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था। वेद पुराण के गलत बोल रहा हूं, यहां लिखा है वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को रावण देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक बढ़ गया हो, धरती अकुला गई, गौ का रूप बनाकर धरती पहुंची मुनियों के पास,
मुनि लोग सबको गौ को लेकर धरती को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कैलाश पर्वत बाबा के पास। मीटिंग में सभा बैठ गई। किस बात की सभा? भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे? किसी ने कहा गोलोक चला जाए भगवान के पास, किसी ने कहा गोलोक नहीं क्षीर सागर चला जाए, किसी ने कहा क्षीर सागर नहीं साकेत चला जाए, तो किसी ने कहा साकेत नहीं बैकुंठ चला जाए। शंकर भगवान कहते हैं देवी तेहि समाज गिरिजा मैं रहे अवसर पाई वचन एक कहे। अभी हम लोग अहमदाबाद थे ना, अहमदाबाद गुजरात में, तो सूरत में थे कि अंकलेश्वर थे, एक दिन न जाने क्या हुआ था यही चौपाई चढ़ गई थी दिमाग में, दिन भर इसको गाए हम। तो महाराज जी बोले सुबह से तुम केवल एक ही चौपाई गाए जा रहे हो, तो सरकार पता नहीं क्या हुआ चढ़ गया है इसमें। उस दिन मैंने विचार किया इस चौपाई के बारे में। शंकर भगवान कहते हैं देवी उसी समाज में तेही समाज गिरजा मैं रहे हूं। सबने अपनी अपनी बात बोल दी, मैंने नहीं कहा, कब कहा अवसर पाई वचन एक कहे। जीवन में घर में परिवार में अपनी बात रखनी हो तो अवसर की प्रतीक्षा करिए। जो आदमी हर समय बोलता है ना घर में उसकी वैल्यू समाप्त तो हो जाती है। अवसर पाकर शंकर जी से बड़ा कौन है, वो देवता देव रह गए, ये महादेव हो गए। लेकिन महादेव कहते हैं जब तक अवसर नहीं आया मैं मौन बैठा था गिरजा, जैसे अवसर आया अवसर पाई वचन एक कहे हूं। एक बात मैंने कही, आप कहां जाने की बात करते हैं, भगवान कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र कैसे समान बराबर है, जितना वहां है उतना यहां भी है। प्रकट कैसे होंगे, केवल प्रेम ते प्रकट हो। पढ़े लिखे लोग कहते हैं महाराज भगवान कहां सब जगह है। आग देखा है आपने, आग आग देखा है संतोष भैया, अग्नि कहां है, माचिस में। अग्नि कहां है, अग्नि शादी विवाह में अग्नि की साक्षी क्यों होती है? अग्नि सर्वत्र है सब जगह। अग्नि को इसलिए साक्षी दिया जाता है, आचार्य लोग बैठे भी हैं जानते हो तो जानते, हमसे अधिक जानते होंगे। आदमी अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता है, आगे कहीं यदि वचन से मुकरेगा तो वो जहां भी रहेगा वहां अग्नि उपस्थित रहेगी गवाह देने के लिए, अग्नि नारायण उपस्थित रहेंगे। अग्नि सर्वत्र है। बाप कहोगे कहां महाराज, हाथ है, हाथ गर्म, ये गर्म कहां से भैया, अग्नि हाथ रगड़िए हाथ गर्म हो जाए, वो गर्माहट अग्नि कहां से आया है। जब घर्षण होता है ना, अग जग मैं सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट है जिमी आगी। आप घर्षण करिए तो काष्ठ में से अग्नि निकल जाए, उसी प्रकार हृदय में प्रेम का घर्षण करिए तो आपके सामने भगवान प्रगट हो जाए। प्रेम से प्रगट होते हैं भगवान, सर्वत्र है। शंकर भगवान की बात ब्रह्मा जी को बहुत अच्छी लगी, नेत्र सजल हो गए, साधु साधु बोले। भगवान ने कहा प्रेम से बुलाया जाए, नारद जी पूरे देव समाज के साथ लगे बुलाने, अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय सुर नायक जन सुखदायक जय yes।
सब घटवासी व्यापक पर पति परो मन बच क्रम पानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जो सारद श्रुति से सा ऋषय से सा जाकऊ सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरानि शोक संदे आकाशवाणी भई। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर आकाशवाणी भई और आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा? हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, हम आप लोग के लिए अवतार लेंगे। जनि डर पहुं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम हिलाग धरियाऊं नरवेश में अवतार लूंगा। कहां लूंगा? दिनकर वंश में, सूर्य वंश में। अकेले नहीं आऊंगा, अनसन सहित मनुज अवतार ले हूं दिन कर वंश उदारा। आकर नारद जी के वचन को अक्षरशः सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप लोग डरिए मत। आकाशवाणी सुनकर देवता जाने लगे। नारद जी, ब्रह्मा जी कहे देवताओं को काम निकल गया, चल पड़े, इधर आओ, भगवान आ रहे तो उनके पहले हमको जाना पड़ेगा। सारा देव समाज बानर रीछ बनकर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर भगवान की प्रतीक्षा करे। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बने, भगवान शंकर श्री हनुमान जी बने, सूर्य नारायण सुग्रीव बने, देवताओं के राजा इंद्र बाली के रूप में आए, विश्वकर्मा भगवान नल नील के रूप में अवतार लिए, सारा देव समाज बानर रीछ बनकर धरती पर चला गया। अब भूत भावन भगवान शिव कथा को कैलाश से उतार कर अयोध्या लेकर आते हैं। कहते हैं, अरे अवधपुरी रघुकुल मनिरा अवधपुरी रघुकुल
परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल है जिसके मणि का नाम है महाराज दशरथ। समस्त सद्गुणों के धाम है, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात भगवान श्री राम धनुष सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। धर्म धुरंधर महाराज दशरथ जिनकी तीन देवियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हैं, जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानी भई। ग्लानी कैसे हो गई? मां कौशल्या ने कहा, महाराज आप तो सभी ऋणों से उऋण हो गए, एक ऋण बना है, क्या आपके बाद आपके कुल में आपके पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है? महाराज ये पितृ ऋण आप इससे उऋण नहीं भय अब तक। जैसे सुने महाराज इतनी ग्लानी भई, गुरु गृह गया तुरत महि पाला चरण लाजी करी गुरुदेव के चरणों में लौट गए महाराज, प्रणाम किया और प्रणाम करके निज दुख प्रजा का सुख सब गुरहि सुनायो कही वशिष्ठ बहु विधि समुझा। महाराज प्रणाम करके लगे रोने, गुरु जी मेरे पास मेरा पुत्र नहीं है। महाराज रोए तो गुरु जी मुस्कुरा उठे। महाराज कहे, गुरुदेव मैं रो रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरुदेव गुरु जी कहे, राजन आप अपना आज देखकर रो रहे हो, मैं आपका आने वाला कल देखकर मुस्कुरा रहा हूं। पूछा क्या देखा गुरुदेव आपने? गुरु जी कहते, राजन धारहू धीर। एक के लिए रोते हैं आप, एक नहीं होई हाही सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज तीनों लोक के स्वामी जिसकी महिमा तीनों लोक में विदित होगी, भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान आपके घर पुत्र बनकर अवतार लेंगे। महाराज आप ग्लानि मत करिए। गुरुदेव ने रचना बनाई, तुरंत पुत्र कामिष्टि यज्ञ की, आदर पूर्वक श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि जी आहुति देने लगे। याद रखिएगा, आहुति न महाराज दशरथ ने दिया, न उनके गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया, किसने दिया? श्रृंगी ऋषि। अरे भक्ति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बोला जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज
परांत अग्नि कुंड से साक्षात भगवान श्री अग्नि नारायण प्रकट हो गए। एक बार आइए भाव श्रद्धा के साथ बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। यज्ञ का प्रसाद चरु, चरु समझते हैं ना, खीर, क्या कहते हैं, खीर को चरु कहते हैं। प्रसाद लेकर अग्नि नारायण ने दिया, किसको दिया, वशिष्ठ जी को। कहा वशिष्ठ जी आपने जो मन में विचार करके यज्ञ कराया ना, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, ये प्रसाद ले लीजिए। गुरुदेव भगवान वो प्रसाद लेकर पहुंचे महाराज दशरथ के पास, जाकर पूछे महाराज जी देख रहे हैं क्या है। महाराज बोले क्या है गुरुदेव, तो गुरु जी बोल रहे राजन अरे चीनी चाउर आउर छीर, खीर मने दूध, चीनी चाउर आउर खीर, तीनों मिलल तब बनल खीर। अखीर वाले जात खुल जाई तकदीर राजा जी, चीनी चाउर आउर खीर। प्रसाद देते हुए गुरुदेव ने कहा राजन पूरे प्रसाद को दो भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधे भाग को दो भाग में बांटिएगा, पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा, और जो पा भाग बचा है ना उसको फिर दो भाग में बांटिएगा, एक कौशल्या जी को दीजिएगा और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों रानियां अपने अपने हाथों से सुमित्रा जी को प्रसाद दे दें। जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया, और जैसी मेरी माँ कौशल्या ने प्रसाद पाया अंक में मेरा लाला आया। भगवान आए अरे जा दिन ते हरे घर भैया आए, जा दिन ते हरे घर भैया आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। इसी प्रकार सुख जुत कर छुकर काल चली गयो, सुख जुत कर छुकर काल चली गयो, फिर जेहि प्रभु जेहि प्रभु जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। जोग लगन ग्रह वार तिथि जब सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, यही राम जन्म सुख मूल। भगवान अंक में आए और देखते देखते 9 महीना नहीं 12 महीना बीता। भगवान कितने दिन थे माँ के अंक में, 12 माह। 12 महीने बाद जब जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल भया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार आया हो, दोपहर का ठीक 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, अयोध्या के जितने पर्वत थे सब मणियों से जगमगाने लगे, सरजू जी में लगा मानो जल समाप्त हो गया, अमृत की धारा दौड़ने लगी, संत आकर लगे कीर्तन करने, और कीर्तन करते करते संत बोले ऊपर देखो आकाश में क्या हुआ, अरे सब देव चले महा
चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे आओ राधो सांवरिया सब देव चले महादेव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे आओ राधो सांवरिया शिव शंकर ने आगे पढ़े कर अपना डमरू समूह बिनती करी जब पहुँचे निज निज धाम तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम देवता स्तुति करके जब अपने अपने लोक चले गए लोक नहीं अरे जब वापस चले गए तो आए क्यों थे अरे तो जन्म भया नहीं कहाँ चले गए सारे देवताओं का स्थान भगवान के शरीर में है हमारे श्रीधाम के बड़े अद्भुत साधक प्रातस्मरणी पूज्य कृपा शंकर जी रामायणी कहते थे सारे देवता माँ कौशल्या के अंग में चले गए और जिस अंग में भगवान के जिस देवता का वास था सारे जाकर अपने अपने लोक में जाकर बैठ गए। जैसे 12 बजा माँ के कक्ष में माँ के अंग से एक प्रकाश पुंज निकला और वो देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले देवी कुछ दिखाई पड़ा माँ ने कहा कुछ नहीं दिखा बाबा कहते वो देखिए अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या मम हित लागी जन अनुराग
मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपा। भगवान विप्र धेनु सुर संत हित के लिए अवतार लिए। शरीर कैसा बना? निज इच्छा निर्मित तन। भगवान का शरीर भगवान की इच्छा से बना है। कैसा शरीर? माया गुण, तीन गुण सत रज तम अगो इंद्रियां, इनसे पार, इनसे परे भगवान। मां ने देखा पद पाताल शीश अजधामा, पांव पाताल में सिर ब्रह्मलोक में, इतना बड़ा एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। श्याम शरीर, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, गले में बनमाल आयुध फड़क रहे हैं भुजाओं पर। मां ने देखा इतना बड़ा मेरे भीतर था, कोई सुनेगा तो मानेगा। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर रहे। भगवान ने देखा, माँ का विवेक जगा। भगवान ने कहा, माँ चरित्र बहुत विधि किन्ने चाहूं, बहुत चरित्र करना है, कहो। मार दूं रावण को अभी, मैं अभी मार दूंगा। माँ ने कहा, प्रभु ये तो बाद वाला चरित्र है, इसके पहले का सब स्किप कर दिए हैं। इसके पहले बहुत चरित्र है प्रभु। कौन सा? आपने कहा था कि आप महाराज के घर बेटा बन के पुत्र बन के अवतार लेंगे। भगवान ने कहा, हाथ हो गया बेटा बनके आपका। मां ने कहा, इतना बड़ा कहीं बेटा जन्म लेता है किसी का? इतना बड़ा आज तक किसी का बेटा इतना बड़ा जन्म लिया है? भगवान बोले, मां पहली बार बना हूं ना, कोई आइडिया नहीं है मुझे, क्या करूं मां। तब मां ने कहा, आप की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे माँ ने कहा, भगवान अविलंब छोटा सा बालक बन गए हो, छोटा सा शिशु बन गए। बन करके भगवान ने कहा, अब तो ठीक है माँ, बन गया। माँ ने कहा, बन तो गए लेकिन एक कमी है। अब कौन सी कमी है माँ? माँ ने कहा, जो बच्चा जन्म लेता है प्रभु वो बात नहीं करता। आप तो मेरे से बतिया रहे हैं, फिर क्या करता है माँ? वो रोता है प्रभु। जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक कोई मानेगा नहीं आप आए हैं। भगवान माँ की बात सुनकर, अरे सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा।
यहां पर मां से अनजाने में एक भूल हो गई। वो स्वामी जी कहते रोदन ठाना, ठाना माने काम शुरू करके बंद ना हो। मां ने रोने के लिए तो कहा लेकिन ये कहना भूल गए कि थोड़ी देर रोकर चुप हो जाइएगा। केवल रोने के लिए कहा तो भगवान जब रोना शुरू किए ना हो चुपे नहीं भाई, रोते रह गए। दासिया द्वार पर कान लगा के खड़ी थी और जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई दौड़कर जाकर महाराज से कहती महाराज बधाई हो महाराज, लाला जन्म ले लिया है आपको, बधाई हो महाराज। महाराज नाचने लगे दशरथ जी। स्वामी जी कहते हैं अरे दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, जन्म सोनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सोई हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सोई। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना का भुलाई बजाव हो बाजा, जन्म सोनी हो अरे ललना का भुलाई बजाव हो बाजा, जन्म सोनी हो महाराज सुने इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए और जाके बोले आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे, बजाओ बाजा। बाजा वाले शुरू हो गए अरे जन्म लिए रघु रैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघु रैया अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, जन्म लिए रघु रैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघु रैया अवध आज बाजे बधैया। धन्य रघुपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य धन्य तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघु रैया अवध आज बाजे बधैया, केहु लुटावेला अनधन सुनवा, केहु लुटावेला अनधन सुनवा, अरे अनधन सुनवा अनधन सुनवा, धन सुनवा केहू लुटावेला अनधन सुनवा, केहू लुटावेला अनधन सुनवा, और केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघु रैया अवध आज बाजे बधैया, राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा, अरे अनधन सुनवा अनधन सुनवा, अरे अनधन सुनवा अनधन सुनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा,
भैया अवध आज बाजे बधैया धन मलिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 महाराज की सुनावे जय 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 महाराज की सुनावे और फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि बिंद पढ़त है वेद मंत्र मुनि बिंद पढ़त गलियन गलियन बाज बजत है गलियन गलियन बाज बजत नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बोलिए रामलला सरकार की जय अरे अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की 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 जय जय महाराज झुकी जय जय जगपाल की जय जय महाराज झुकी जय जय जगपाल की जय जय महाराज झुकी जय जय जगपाल की जय महाराज झुकी जय जय जगपाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल 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 की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी अरे अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी छोरन को लड्डू बूढ़न को लापसी अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे अवध के दुलारे अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे माँ कौशल्या के प्यारे बोलिए रामलला सरकार की जय आज के आनंद की जय।
श्री सीताराम। आप सभी लोगों को राघव जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला की बधाई हो, बधाई हो। हमने और आपने आज राम जन्म की कथा को श्रवण किया। कल ठीक 7 बजे भगवान की बाल लीलाओं की कथाओं को श्रवण करने पधार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे हरे राम 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 प्रभु शंभुनाथ हनुमान। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण।